अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आमिर खान नेटमैक के रिव्यू सेक्शन से आपको खुश आमदेद कहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि वक्तन फ़वक्तन मैं आपकी खिदमत में डिफरेंट गैजेट्स और डिफरेंट चीज़ों के रिव्यूज़ जो है ना लेके आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं। इसी तरह का आज एक और जो गैजेट है वो आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ। एक कंपनी जो कि पाकिस्तान के अंदर पिछले काफ़ी सालों से काम कर रही है और पाकिस्तान के मिड रेंज सेक्टर को जो है उसको उन्होंने कवर किया हुआ है और इंटरनेशनल लेवल की जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं उन्होंने पाकिस्तान के अंदर, और बहुत अच्छी प्राइसेस के अंदर। अगर हम बाकी ब्रांड के साथ कंपेयर करें लाइक सोनी और सोनी एलजी और सैमसंग की, तो वो तो काफ़ी हाई रेंज की जो उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक ख़ास तबका ही उनको ख़रीद सकता है, जो मिड रेंज के लोग हैं या लोअर मिडिल तबका जो है वो उसको दे आर अनेबल टू बाय दीज काइंड ऑफ ब्रांड्स। तो मैं बात कर रहा हूँ TCL की। TCL पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान के अंदर से काम कर रहा है और एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स उन्होंने मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई हैं इन ना लो बजट्स, जो कि एक आम आदमी के रेंज के अंदर जो बजट है उसके हवाले से हर इंसान की ख्वाहिश है कि वो अपना जो ड्राइंग रूम और अपना जो घर है वो खूबसूरत और ब्रांडेड चीज़ों से सजाए। तो TCL ने उस रेंज को कवर करते हुए डिफरेंट इंचज़ की और डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है ना पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई हैं, और अभी रिसेंट में पास में उन्होंने अपना एक मॉडल जो है S6500 डिफरेंट इंचेस के अंदर लॉन्च किया पाकिस्तान के अंदर, एंड्रॉयड टीवी, एंड्रॉयड एलईडी टीवी, और उन्होंने कोलैबोरेट किया था PSL में जलमी जो पेशावर जलमी है उनके साथ, और अपना जो मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया था। अभी रिसेंट पास में मैंने ये बाय किया है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने यूज़र्स के साथ इसकी अनबॉक्सिंग और इसकी जो रिव्यू है वो शेयर करूँ। तो आइए, आज हमारे साथ मौजूद है TCL एंड्रॉयड TCL का 14 इंच एंड्रॉयड टीवी। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसमें देखेंगे कि TCL ने इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स और इसके अंदर कौन कौन सी एक्सेसरीज दी हैं। जी व्यूअर्स, सबसे पहले इसके ऊपर कुछ मेन फीचर्स जो हैं वो डिस्प्ले हैं, मेंशन है। मैं आपको इसके कुछ मेन फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। TCL का ये लोगो ब्रांडिंग आप इसके ऊपर देख रहे हैं, इसके बॉक्स के ऊपर एंड्रॉयड टीवी है, स्मार्ट टीवी एंड्रॉयड टीवी है, 40 इंचज का इसका साइज़ है, और इसके अंदर जो मेन फीचर्स हैं गूगल प्ले इसके अंदर दिया गया है, नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्रोमकास्ट इसके अंदर बिल्ट इन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो TCL ने इंट्रोड्यूस करवाया है, HDR जो क्वालिटी है वो इसके अंदर है, माइक्रो डिमिंग टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ की गई है, ये इसके मेन फीचर है। और आइए अब इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके साथ कौन कौन सी एक्सेसरीज़ जो हैं वो TCL ने दी हैं। देखते हैं, सबसे पहले हमें ये इसके स्टैंड्स जो हैं टेबल स्टैंड्स ये मिलते हैं, और इनको हम साइड पर रखते हैं और मज़ीद देखते हैं। ये एक पार्सल है, इसके अंदर देखते हैं डिफरेंट चीज़ें जो हैं इसके अंदर हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका LED से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, इसकी इंस्टॉलेशन बुकलेट इसके साथ है, और इसके साथ साथ इसका ये जो वारंटी कार्ड है, और 2 years पार्ट्स एंड पैनल की वारंटी है इसकी, ये आप देख सकते हैं 2 years मेंशन है इसके ऊपर। और इसके साथ इसका रिमोट है जो कि वॉइस असिस्टेंट भी है, वॉइस के थ्रू जब आप कमांड देंगे तो ये इसको गूगल असिस्टेंट के थ्रू वर्क करेगा। इसका रिमोट है, इसके अलावा ये स्क्रू हैं इसके स्टैंड्स के, ये बैटरीज हैं रिमोट की, और इसके अलावा ये कुछ केबल इसके साथ आई हैं। फर्दर हम इसको देखते हैं कि जी व्यूअर्स, ये वॉल माउंट ब्रैकेट्स हैं, इनको अगर आप अपने LED टीवी को वॉल के ऊपर लगाना चाहते हैं तो ये वॉल माउंट ब्रैकेट्स जो है ये वॉल के ऊपर लगा के आप इसको वहाँ पे हैंग कर सकते हैं। वैसे सो वेरी स्मार्ट एंड स्लिम डिज़ाइन। ये बॉटम पे अगर हम देखें, बॉटम पे ये हमको डॉल्बी ऑडियो के जो स्पीकर्स हैं वो हमें नज़र आएंगे, ये नीचे की तरफ जो है ना आपको नज़र आएंगे ये स्पीकर्स हैं, और इसकी
बैक साइड देखते हैं। दिस बैक साइड ऑफ द एलईडी टीवी 40 इंचेस एंड्रॉयड टीवी। जी व्यूअर्स, यूएसबी की पोर्ट आपको यहाँ पे नज़र आएगी 2.0 और लैन की केबल अगर यूज़ करना चाहते हैं इंटरनेट के लिए उसकी पोर्ट है। ये आपके लिए जो केबल टीवी की जो पोर्ट है एंटीना की वो यहाँ पे पुट अप करेंगे। और इसके अलावा HDMI की दो पोर्ट्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। हेडफोन का जैक आपको यहाँ पे नज़र आएगा, ऑडियो एंड आपको नज़र आएगी। ये सारी जो है फंक्शनैलिटी इसके अंदर आपको नज़र आएगी। और इसके अलावा जो है वो आपको ये इसका मॉडल नंबर एंड डॉल्बी ऑडियो एंड डिटेल जो है ना वो आपको यहाँ पे नज़र आएगी। जी व्यूअर्स, तो आइए एलईडी टीवी को ऑन करते हैं और इसका जो सेटअप है वो करते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इसके अंदर दी हैं TCL ने। ये TCL का लोगो है, ऑन हो रहा है और ये बेसिकली एंड्रॉयड बिकॉज इट्स एंड्रॉयड टीवी तो एंड्रॉयड लिखा हुआ आएगा। तो ये अब सेटअप करते हैं। यहाँ सबसे पहले आप जो है इसकी लैंग्वेज जो है सेटअप करेंगे। ऑब्वियसली हम इसको इंग्लिश जो है ये यूनाइटेड किंगडम की ये करेंगे। टीवी सेटअप विद एंड्रॉयड फ़ोन। अभी अगर आप ये पूछ रहे हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन के साथ आप इसको सेटअप करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली आप इसके साथ इसको सेटअप कर सकते हैं। अभी हम इसको स्किप करते हैं। सेलेक्ट जो वाईफाई नेटवर्क, वाईफाई के साथ अगर आपने इसको सेलेक्ट करना है तो उसके साथ भी आप कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको स्किप करते हैं। गूगल टर्म एंड कंडीशंस हैं, ये एक्सेप्ट, यस, नॉट, नो, नो, ऑल गूगल टर्न एप्स टर्न इट बैक, एंड्रॉयड टीवी, एनवायरनमेंट पूछ रहा है आपका होम किस पर्पज़ के लिए। बेसिकली आप ये एलईडी टीवी यूज़ कर रहे हैं आप वेदर घर में यूज़ कर रहे हैं, शॉप पे है या किसी और, या डेमो है आपका। हम तो होम के लिए यूज़ कर रहे हैं ऑब्वियसली। नेक्स्ट, यहाँ से आप अपनी रीजन जो है कंट्री वो सिलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान। टर्म एंड कंडीशंस हैं, एग्री, प्राइवेसी नोट है, ये अब आपसे पूछेगा जो चैनल इंस्टॉलेशंस हैं आपकी उसके बारे में पूछ रहा है। वेदर आप अगर डिजिटल बॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो उसकी इंस्टॉलेशन है, अदरवाइज़ केबल यूज़ कर रहे हैं तो वो। फिलहाल हम इसको स्किप करेंगे और क्योंकि अभी हम केबल अटैच नहीं है इसके साथ तो ये अब उसने दिखा दिया। प्लीज़ चेक सेटिंग्स, कंट्री रीजन, होम आ गया एंड स्टार्ट नाउ। और ये आपका सेटअप हो गया। वेलकम कह रहे हैं दी एंड्रॉयड टीवी और इससे बेसिक एक्चुअली है इंफॉर्मेशन। गूगल प्ले है, क्रोम कास्ट बिल्टन है। अब क्रोम कास्ट बिल्टन जो है वो है बेसिकली स्ट्रीम योर फेवरेट एंटरटेनमेंट फ्रॉम योर फ़ोन, टैबलेट और लैपटॉप राइट टू योर टीवी। कोई भी चीज़ जो है आप इसकी क्रोमकास्ट की जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें अपने मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर, और उसका जो भी कंटेंट आप देखना चाहते हैं आपका कनेक्ट हो जाएगा आपके एलईडी टीवी के साथ और वो सारे कंटेंट जो है वो आप इसके ऊपर देख सकते हैं। इट इज़ डन।
ये आपका बेसिकली कुछ नेटफ्लिक्स और कुछ एप्लीकेशंस यूट्यूब वगैरह गूगल प्ले वगैरह ये दिखा रहा है आपको, कुछ चीज़ें दिखा रहा है आपको, नेटफ्लिक्स है और चैनल्स टी चैनल हैं, मीडिया सेंटर है, टीवी गार्ड है, यूट्यूब है, गूगल प्ले है, और गूगल प्ले गेम्स हैं इसके अंदर, और टीवी और इसके अंदर और भी फेवरेट ऐप्स अगर आप ऐड ऑन करना चाहते हैं डाउनलोड करके तो कर सकते हैं। तो गूगल इसके अंदर मूवीज़ के अंदर देख लेते हैं क्योंकि ये अभी कनेक्टेड नहीं है तो इसलिए ये नेटवर्क एरर दे रहा है। इसकी जो रेजोल्यूशन है वो 1920x1080 है, और FHD इसका डिस्प्ले है, 2K रेजोल्यूशन है इसकी, वो कोई भी कंटेंट 2K का जो इसके ऊपर आप प्ले कर सकते हैं उसके ऊपर देख सकते हैं। इसके अंदर जो इसकी मेमोरी है वो है 4GB इसकी इंटरनल मेमोरी है और 4GB ही इसकी रैम है। और इसके अलावा जो है इसका अगर हम बात करें इसकी प्राइस की तो इस वक्त 14 इंच की जो मार्केट के अंदर प्राइस है वो 42,999 है, यानी कि 43,000 इस वक्त मार्केट के अंदर इसकी प्राइस है। इस प्राइस रेंज के अंदर 40 इंचज़ एंड्रॉयड टीवी मेरे नहीं ख्याल के किसी और कंपनी को अवेलेबल है, कोई लोकल अगर ब्रांड अवेलेबल होगा तो होगा, लेकिन कोई इंटरनेशनल ब्रांड जो है इस क्वालिटी का TCL का कोई भी ब्रांड इस वक्त मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। और ये TCL जो है वो पिछले कुछ काफ़ी अरसे से काम कर रहा है पाकिस्तान के अंदर और हमारी जो मिड रेंज सेगमेंट है उसको कवर कर रहा है। तो ये था इसकी अनबॉक्सिंग व्यूअर्स, इसके अंदर जो एक्सेसरीज थी और जो मेन फीचर्स हैं वो मैंने आपको बताया, इसका सेटअप करके हमने बताया, इसका जो मजीद एक्सपीरियंस है और जो डिटेल रिव्यू है, इसके गेमिंग एक्सपीरियंस, इसकी रेजोल्यूशन का एक्सपीरियंस और बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ इसके डिटेल रिव्यू के अंदर डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और जिन लोगों ने हमारा नेटमैग पाकिस्तान का जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक नोटिफिकेशन आ सके और आप देख सकें। इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, अच्छी या बुरे जो भी आप कमेंट्स करना चाहिए, आपको कैसी लगी ये वीडियो इसको मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए। तब तक के लिए याद दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।